हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि यूरिनल का पॉइंट कितने में रखा जाता है जमीन से और जमीन की ऊंचाई कितने में रखा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए बताते हैं कि यूरिनल का पॉइंट कितने में रखा जाता है। ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूरिनल का इनलेट पॉइंट है और नीचे में जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूरिनल का आउटलेट पॉइंट है। तो चलिए इसका बताते हैं सेंटर कितने में रखा जाता है जमीन से। दोस्तों ये यूरिनल का आउटलेट पॉइंट है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये 7 इंची का पॉइंट डाले यूपीवीसी का, ये आउटलेट पॉइंट है। इसको हम लोग रखे हैं जमीन से 16 इंची में, ये देख सकते हैं यूरिनल का पॉइंट 16 इंची में रखा जाता है। यहाँ पे जमीन बनेगा 5 इंची और 5 इंची छोड़ के फिनिश वाल, जब 5 इंच हो जाएगा उसके बाद हम लोग का ये 16 इंची में आएगा। 16 इंची में रखे हैं यहाँ से। और ऊपर का पॉइंट, ऊपर पॉइंट जो रखे हैं, ये जो आपको इनलेट पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो आपको इनलेट पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग जमीन से 5 इंची छोड़ के 4 फीट में रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 फीट आ रहा है, 48 इंच के रखे हैं दोस्तों। और बताते हैं ये जो लाइन आया है सी पी बी सी का लाइन है, 16 इंची पर सी पी बी सी का, और यहाँ पे एक प्लग कर दिया गया, ब्रास रूल लगा हुआ दिख रहा है आपको, और इसको सेंटरिंग तार से बांध दिए हैं कि दीवार पे ये अच्छे से अटका रहे। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे नैनी ड्राफ्ट लगा दिया गया है, और नैनी ड्राफ्ट यहाँ पे 4 इंच का पाइप है, इसको बीच में काट के इसमें इनलेट कर दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ये जाम होने के बाद पानी लीकेज नहीं करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बाथरूम में पूरा 3 इंची का पाइप लगा दिया गया है, इसको जाम कर दिया गया है, जमीन में हिले नहीं इसीलिए इसको जाम कर दिया अच्छी तरह से। और यहाँ पे बेसिन का पॉइंट दे दिया गया है, देख सकते हैं सिंगल लाइन है, सिर्फ ठंडा पानी का यहाँ पे लाइन आया हुआ है, यहाँ पे वॉश बेसिन फिट होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई राय या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।